गैस कैसे हो आप लोग। आज की जो ओपनिंग्स लेके आए वो मैक्सिमम ओपनिंग रेवी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और स्टैट प्रो से रिलेटेड, मीन्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड ज्यादा तो जॉब आपसे लेके आए हो आपके लिए। दूसरी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज बताने हैं आपको कि जो BIM की न्यू बैच स्टार्ट हो रही है वो 15 फरवरी से स्टार्ट है, कई लोग को पता चल चुका होगा, जिसका इवनिंग में 8:30 to 10 टाइमिंग है। अगर BIM को आप डिटेल लेवल पर बी मॉड्यूलर, बी इंजीनियर, बी कोऑर्डिनेटर, बी मैनेजर तक के लेवल की ट्रेनिंग अगर आप करना चाहते हो तो नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है जिसमें ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करते ही हमारे टीम की तरफ से आपसे कांटेक्ट, या फिर आप भी उनको कांटेक्ट करके अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी सिलेबस वगैरह पूछ सकते हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ पूछ सकते हैं। प्लस कल एक वेबिनार भी होगा जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार है, ज्वाइन करके जानिएगा कि बीम होता क्या है। चलिए भाई अब चलते हैं फटाफट ओपनिंग्स की तरफ। नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, ज्वाइन करके पूछ लीजिएगा भाई। तो ये एक ओपनिंग्स है पुणे के अंदर नेलसॉफ्ट कंपनी में। नेलसॉफ्ट काफी फेमस कंपनी है जिसके अंदर स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर चाहिए। अभी तक आप लोग आर्किटेक्चरल मॉड्यूलर का इंटरव्यू देख रहे थे। स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर में ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रवि स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछे जाते हैं, नहीं तो टेक्ला स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, इनकी कंपनी में इस समय जो दिख रहा है वो टेक्ला रवि स्ट्रक्चर्स का ओपनिंग वर्क ज्यादा दिख रहा है, तो उसके बेस पे ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। फिलहाल नेलसॉफ्ट के पास टेक्ला भी है, तो अगर कोई टेक्ला की ओपनिंग रहेगी तो फ्यूचर में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस, इनके लिए भी बीम इंजीनियर की प्रोफाइल है, बट स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चरल बीम इंजीनियर है, जिसमें इनको वो चाहिए कि आपके पास ऑटोकैड का अच्छा नॉलेज हो, रेविट का अच्छा नॉलेज हो, आर्चीकैड का हो तो ठीक है, कोई जरूरी नहीं क्योंकि रेविट और आर्चीकैड लगभग सिमिलर है। ठीक है, ये इनको नॉलेज चाहिए ऑल डिसिप्लिन का, और ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इनकी। जैसे कि दिख रहा है पर कोऑर्डिनेटर का थोड़ा वर्क अंडरस्टैंड आपको होना चाहिए, बीम के स्टैंडर्ड जो होते हैं उन स्टैंडर्ड्स को आपको जानना चाहिए। ठीक है, क्लैश रिडक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कोलेब्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, इस तरह के नॉलेज आपको होने चाहिए। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट ओपनिंग की तरफ पे। अप्लाई कर दीजिए फटाफट, यहाँ से तो अप्लाई करिए ही, कनेक्शंस अगर आप बनाइए लिंक्डइन पे और उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ये एक राज की बात है बट बहुत काम की बात है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, हॉलटेक एशिया एक कंपनी जिसमें सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियर की ओपनिंग है, जो कि पुणे के लिए ही है, हिंजेवाड़ी में है। ठीक है, तो आप इनके आप अप्लाई कर सकते हैं, देख लीजिए इनकी रिक्वायरमेंट। अगर आपको लगता है कि हम इस रिक्वायरमेंट के लिए सही इंसान है तो career@holtechasia.com पर अपने आप को प्रस्तुत करिए विथ योर पोर्टफोलियो एंड कवर लेटर। उम्मीद यही है कि अगर आप प्रस्तुत करेंगे और आपकी प्रोफाइल उनको अच्छी लगेगी तो आप पर उचित कार्रवाई की जाएगी, यानी आपके पास कॉल वगैरह आएगी। इनको स्टैट प्रो चाहिए और MS ऑफिस चाहिए, मैथ कैड अगर आपको आता है तो प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। चलिए भाई नेक्स्ट कंपनी देखते हैं। नेक्स्ट कंपनी है सोलर स्क्वायर एनर्जी, जो कि मुंबई बेस्ड है, मायानगरी मुंबई, जहां पर स्ट्रक्चरल इंजीनियर की प्रोफाइल है। यहाँ पर डिप्लोमा भी रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यार ये इन्होंने गलत दिया हुआ है या फिर शायद इससे प्रिंट गलत हुआ है। स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए मैकेनिकल तो बिल्कुल नहीं रख सकते, प्लस डिप्लोमा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि इनका स्टेट प्रो और ऑटोकैड का काम होगा, उसके बेस पर कभी कभी HR लोग इससे कि शेयर करते हैं प्रोफाइल तो गलत हो जाता है। ठीक है, आप देखिए सॉफ्ट ड्रॉइंग मतलब ये स्टील स्ट्रक्चर की ड्रॉइंग बनाते हैं। ठीक है, असेंबली ड्रॉइंग फिक्स हो गया कि ये स्टील स्ट्रक्चर का काम करते हैं, और स्टील स्ट्रक्चर का जो काम होता है वो ज्यादातर स्टैट प्रो के लोग करना प्रीफरेंस देते हैं। तो स्टैट प्रो का देखिए स्टील कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट है, तो ये देखिए आप लिखा भी है स्टैट प्रो और टेक्ला, मैंने आपको बताया और यहाँ पर वही चीज लिखा भी है, तो ये मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको अगर इंटरेस्ट है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्रोफाइल में तो सोलर स्क्वायर एनर्जी में आप अप्लाई कर दीजिए। और नेक्स्ट कंपनी है थॉर्नल करके, जो कि मुंबई की कंपनी है, जिसमें स्ट्रक्चर्स मैंने आज बता दिया आपको, ज्यादातर जॉब स्ट्रक्चर बेस्ड है, स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर की है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर की है। तो ये स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर की जॉब है जिसमें 3D भी मॉडलिंग तो आपको आनी ही आनी चाहिए, उसके साथ ही साथ आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन के लिए, PDF वगैरह बना सके, ये सारा काम आपको आना चाहिए। इसमें रवि स्ट्रक्चर्स का काफी प्रिफरेंस है, तो रवि स्ट्रक्चर आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। ग्रास होपर का आप इंट्रोडक्शन भी जानते हैं तो भी अच्छा रहेगा, और इस कंपनी में आप अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस, वो कंपनी है स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए कपूर एंड एसोसिएट। हमने कहा मुंबई से चलते हैं दिल्ली, तो दिल्ली में ओपनिंग्स हैं, और जो लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं मतलब आप बहुत सेंसिटिवली चीज़ों को देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ ओपनिंग निकली हुई है, तो यार एक लाइक बटन दबा देना, और आपका कोई दोस्त तलाश कर रहा है एक अच्छी जॉब को उसको शेयर कर देना, पता नहीं किसकी किस्मत कहाँ से बदल जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पर इनको ऑटोकैड चाहिए, स्टैट प्रो चाहिए और ETF चाहिए, तीन प्रोग्राम्स इनको चाहिए, तो फटाफट इनके यहाँ अप्लाई कर दीजिए, अच्छी खासी सैलरी है। और क्या बोलते हैं, अगर आप पोर्टफोलियो के साथ अप्लाई करेंगे तो मेरा उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। नेक्स्ट कंपनी है गाइस रिकिन कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि न्यू दिल्ली में है।
स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर की प्रोफाइल इनको चाहिए, थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, सामने दिख रहा है 4 to 16। मैं बोलूंगा अगर 2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर दीजिए, कभी कभी साथ में जूनियर्स की भी ओपनिंग्स निकली रहती है। नेक्स्ट ओपनिंग्स जो है गाइस वो है क्या बोलते हैं, रेपुटेटेड कंपनी गुड़गांव। इन गुड़गांव इसका मतलब है कि ये कंसल्टेंसी हो सकती है, इसमें आप अपने रिस्क पे अप्लाई करिएगा। कभी कभी थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी होगी जो आपसे पैसे नहीं लेगी, वो आपको डायरेक्ट कंपनी में प्लेस करा देगी, बट कोई अगर पैसे मांग रहा है तो मत दीजिएगा, फिर वो फेक हो सकती है। तो ये आपके ऊपर है, मैं इस कंपनी को रिकमेंड नहीं करूंगा, मेरे सर्च बॉक्स में गलती से आया, इसके लिए माफी चाहूंगा। नेक्स्ट कंपनी है जो गाइस वो बीम स्ट्रक्चर्स के लिए एईओ डिजाइन कंसल्टेंसी कंपनी है, जो कि गुड़गांव की है। इनके यहाँ पर सेक्टर 43 में ये गुड़गांव में ये ओपनिंग्स है, और बहुत सिंपल सा काम, रीबार के बारे में पता होना चाहिए, ट्रस के बारे में, स्टील वर्क इनका बेसिकली दिख रहा है और रीबार वर्क दिख रहा है। एलओडीस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बीईपी, कल ही मैं अपने गुरुकुल वाले क्लास में पढ़ा रहा था बीईपी के बारे में, तो बीईपी के बारे में पता होना चाहिए। और मैं तो बोलूंगा इसके यहाँ सब लोग अप्लाई कर दिए, देखिए कितनी अच्छी कंपनी है, इन्होंने डायरेक्ट अपना मेल आईडी दे रखा है, आपको खोजने की जरूरत नहीं है कुछ भी। चलिए भाई नेक्स्ट कंपनी जो देखते हैं वो कंपनी यहाँ पर चेकर के लिए प्रोफाइल है, एक होता है टिकला चेकर, एक होता है रिबार चेकर। तो जो उनको स्ट्रक्चरल इंजीनियर की प्रोफाइल है जो कि क्या बोलते हैं गुड़गांव के लिए है, अगर आपको रेनफोर्समेंट का अच्छा नॉलेज है तो ऐसी कंपनियां ठीक ठाक पैसा देती हैं आपको, रेनफोर्समेंट और करेक्शंस का अगर नॉलेज है तो। नेक्स्ट कंपनी जो गाइस वो है सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए, ऑयल एंड गैस कंपनी की। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो देख लीजिए इनकी रिक्वायरमेंट, अगर आपको मैच होता है रिक्वायरमेंट तो आप इनके अप्लाई कर दीजिए। इनका स्टैट प्रो चलता है, साइप एक इन हाउस सॉफ्टवेयर है बट काफी अच्छा वो भी है, ऑटो कैड चाहिए इनको, FEM मतलब फाइनाइट एलिमेंट मेथड मतलब एनसीएस वगैरह का यूज रहेगा तो आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो कंपनी है एस्पायर लेडर्स, इसके यहाँ स्ट्रक्चर इंजीनियर की प्रोफाइल ओपनिंग्स है। तो यहाँ पर जाइए फटाफट देख लीजिए और अप्लाई कर दीजिए, अच्छा पैकेज भी दिख रहे हैं, ईटीएफ्स और स्टेट का मेन काम है इनके यहाँ पर, तो चांस है कि आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अपना ईमेल आईडी भी दिया है तो फट से डायरेक्ट मेल कर दीजिए इनको। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है स्काई रूट्स एरोस्पेस, जिनको स्ट्रक्चरल इंजीनियर चाहिए, ठीक है, हैदराबाद के लिए। इनकी रिक्वायरमेंट देख लीजिए, FEM पे काम करते हैं, मतलब ये लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, तब आप अप्लाई करिए इनके यहाँ, पैकेज अच्छा देंगे, जो सामने यहाँ पर देख भी रहा है पे स्केल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस कंपनी में। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है वी टेक्नोलॉजीज, जो कि बेंगलोर के लिए है, सीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर। हमारे इस वीडियो में बहुत कम लोग सीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर होंगे, बट देख लीजिए अगर आपको जमता है, आपका प्रोफाइल मैच करता है। देखिए इसमें मैं किस क्यों बोलता हूँ कभी कभी कि मिक्स प्रोफाइल वाले ज्यादा ग्रोथ करते हैं। देखिए इनके यहाँ पर स्टेट प्रो भी है, BM360 भी है, ऑटोकैड भी है, टिकला भी है, नेविसवर भी है, ईटैब भी है, तो इनको मिक्स बंदा चाहिए, ठीक है। और पैकेज देख लीजिए, ठीक है, पैकेज देख लीजिए, तो जब हायर प्रोफाइल की जॉब रहेगी तो उसमें मिक्स कैंडिडेट लगते हैं और उससे बहुत अच्छा पैकेज ग्रोथ होता है। नेक्स्ट कंपनी जो है गाइस वो बिलिंग इंजीनियर के लिए है, तो एक मैंने सोचा एक ओपनिंग बिलिंग इंजीनियर के लिए बताता हूँ। कोई बिलिंग इंजीनियर के लिए देख रहा है तो नीचे कमेंट जरूर करना कि यस सर मैं बिलिंग इंजीनियर की जॉब सर्च कर रहा हूँ, या फिर कोई और प्रोफाइल में जॉब सर्च करो तो प्लीज डू कमेंट सो दैट नेक्स्ट ओपनिंग्स में ला सकूँ। एक डिजाइन इंजीनियर के लिए नागपुर के लिए ओपनिंग्स है, जिनको ऑटो कैड और स्टैट प्रो पे अगर आपके पास नॉलेज है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इनको अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट और लास्ट कंपनी जो है वो है सिविल इंजीनियर के लिए, हिमालय इंफ्रा करके नागपुर की ही कंपनी है, जिसमें आप सिविल इंजीनियर, मुझे लगता है साइट प्लस डिजाइन वगैरह मिक्स जॉब होगा, और छोटी कंपनी मुझे समझ नहीं आ रही, आप सर्च करके देख लीजिएगा। आपको ये ओपनिंग्स कैसे लग रहे हैं नीचे कमेंट करिए, और साथ ही साथ ये जरूर कमेंट करिएगा क्या आप कौन सी इंडस्ट्री में जॉब सर्च कर रहे हैं। आप बीम में जॉब सर्च कर रहे हैं तो मैं केवल बीम के लाऊं, स्ट्रक्चर्स में कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर का भी लाऊं, और भी किसी कंपनी में कर रहे हैं तो प्लीज डू कमेंट, उससे हमें आइडिया लगता है। कल कई लोगों ने बताया कि सर मैं इस प्रोफाइल में जॉब करता हूँ, मुझे बहुत हेल्प किया, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, बीम में करियर बनाना है तो ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।